नमस्कार, हम सभी के साथ ही जुड़ल बानी इस समय गोरखपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर चेतना पांडे जी। आप बताएं कि 2022 के इस चुनाव कौन तरह 2017 के चुनाव से कुछ भिन्न बाटे, कुछ अलग बाटे, आप एक बारे में का सोचत नहीं? 2017 के चुनाव जो रहू, हमें लगल कि तमाम प्रलोभन पर आधारित रह, लालच पर आधारित रह, जनता के भ्रम में डरल नेता लोग कि ई हो जाए वो हो जाए। और 5 साल की यात्रा में जौन जौन भई, जनता जौन जौन दुर्दशा के सामना कैल, ओसे हमें लगल जनता के आँख खुल गए बा। और 22 में जौन उ करी उ करत, क्योंकि अपन पूरी दुर्दशा जौन जौन उम्मीद नेताजी लोगन से पल्ले रहन, राजनीतिक दलन से पल्ले रहन, डबल इंजन के सरकार से उम्मीद रखले रहन, वो उम्मीद जौन तरह से टूटल है, वह पर बहुत ज़्यादा विरोध बा, जनता दुखी बा, पीड़ित बा। और स्वाभाविक है कि एक जवाब वोटर्स देवल जाला और जनता दी। अच्छा, इस समय एक बहुत बढ़न स्तर पे एक समस्या चल रहा बा एजेंडा के लेके, कि कुछ लोग जातिगत आधार पे वो करता, कुछ लोग हिंदुत्व के आधार पे वोट मांगता। तो ये बताएं कि आपके जो चुनाव बटे वो चुनाव विकास के आधार पे बा कि उसमें हिंदुत्व के कार मुद्दा बटे, ये बारे में आप का सोचते हैं? देखिए, हिंदुत्व भइल चाहे जात भइल चाहे इस्लाम भइल, ये सब अपन व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। आए हम कोनो जात में पैदा भेली, हम कोनो धर्म में पैदा भेली, तो हम एप्लीकेशन तब देवे गए ना रहने भगवान के कि हमें तू है जात में भेज दर, भगवान भेज दिले हो के, तो वो हो गए। आ जौन जे हो गए तो ओके ठीक है, ओपर ओके गर्व भी रहे चाहिए, अच्छा भी लगे चाहिए, कोनो हीन भावना भी ना हो चाहिए, और कोनो क्रेडिट के बाद भी ना है। ये सब राजनीति के विषय ना है, राजनीति के विषय विकास है। राजनीति के विषय ये है कि लोगन के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके, कैसे एक समरस समाज का निर्माण हो सके, कैसे लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। और एक बात और जरूर कहल जाब, अपने चुनाव में कम से कम व्यक्तिगत तौर पर हम ये जरूर कहल जाता है कि राजनीति से मध्य वर्ग के लगभग सफाया बा, मैंने हमारे मतलब है नेताजी लोगन से। अगर कोनो नौजवान ये सोचत हो कि हमारे पास पैसा ना बा, संकल्प शक्ति ना बा, लेकिन अभाव बा, अर्थ के अभाव बा, संसाधन के अभाव बा, और वो सोचे कि हम चुनाव लड़ ले में, तो ये दिन में देखल है सपना जैसा है लगभग। तो ऐसा स्थिति बहुत कम बने ले, संयोग से गोरखपुर में स्थिति कांग्रेस पार्टी बना दे, विचार कैले हुए हैं लोग, उन्हें कुछ समझ में आए हुए, हमारे ऊपर विश्वास कैले। तो ये चुनाव एहू बात के लेके हो चाहिए, एहू संदर्भ में कि समझे जाए, समझे चाहिए कि ये चुनाव के माध्यम से एक नई परंपरा की शुरुआत होती है। और अगर परिणाम ठीक आए तो एक बार नए लड़कन में जो थोड़ा संसाधनहीन बा, जो गरीब बा, जो मध्य वर्ग के बा, ओकरे मन में भी उत्साह पैदा हुई कि कम पैसा रहते हुए भी अगर हौसला होके तब प्रतिनिधित्व कैल जा सकल। अच्छा, अब की पारी चुनाव के टिकट मिलने में काफ़ी देरी भइल, लगभग हर पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में कुछ यहाँ के खातिर कुछ ज़्यादा ही देरी भइल। तो आपके का लागत था कि एकर चुनाव के लेके तैयारी में का असर पड़े वाला बटे? तैयारी में बहुत असर नहीं, थोड़ा सा पर्चा दाखिल कैले में जरूर थोड़े हड़बड़ी हो गई, लेकिन चूँकि नया कुछ ऐसा काम नहीं है, ऐसा है ना कि चुनाव लड़े के बाद जनता के बीच में रहे हुआ, जनता के बीच में पहलहू से रह ली हैं, और कहीं ना कहीं सबके ही हल्का फुल्का भाई अगर हम सेवा करत हैं तो कभी सेवा के बदले में कुछ मांगी तो जनता जरूर दे। ये जरूरी थोड़ा ना है कि पीठ पर ठप्पा लगा के घूमे कि हम चुनाव लड़ब तब हम सेवा करी। तो सेवा कार्य जारी रहन पिछले कई साल से, और एक नाते जन समर्थन भी पर्याप्त मात्रा में मिला था। देरी खाली थोड़े कागजी कार्रवाई में थोड़ा अफरा तफरी रहल, हड़बड़ी रहल, बाकी देरी के कोनो असर ना बा, सब बढ़िया बा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर देखले पे एक चीज लागत अटे कि जमीनी स्तर पे कांग्रेस के संगठन थोड़ा सा डमाडोल स्थिति में आई बटे, तो ऐसे में आप चुनाव के पहले ऐसा का करे वाला बानी, या फिर संगठन ऐसा का कर दटे जैसे संगठन भी और वोट बैंक ये दोनों मजबूत होके?
देखिए पिछले 2-3 साल में कम से कम प्रियंका जी के अगले के बाद से थोड़ा सा यूपी बिहार के जो स्ट्रक्चर है, यूपी बिहार के जो तौर तरीका है सोचले के, ओहमन जाति धर्म के बड़ा प्रभाव हो जाला राजनीति में। ना ही होए ना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाला, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकला। और कांग्रेस के जो विचारधारा के सवाल है, कांग्रेस जन भावना के उकसा के जनता के भावनात्मक दोहन करे वाली पार्टी नहीं है, मुद्दा के बात करे वाली पार्टी है। लेकिन कहीं समझने में चूक हो गई लहल हुई शायद, तब थोड़ा सा कांग्रेस के प्रदर्शन में फर्क पड़ा इतने साल से। लेकिन प्रियंका जी के अगले के बाद से और अब समय बदल भी गई, अब नए लड़का लड़की पढ़त है, समझत है, ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया देखत या तो जाति धर्म के प्रभाव ये सब भावना के जनता मूल्यांकन करेंगे, शिक्षित समाज मूल्यांकन करेला कि जौन बतिया लोग कहत हैं, भरमावत हैं मंदिर मस्जिद राम रहमान बाबर दलित, सच्चाई एकर का है? सच्चाई कुछ नहीं है, ये सब वोट ले लेगा एक है। तो नए लड़के जौन बाटे, नई पीढ़ी के लोग जौन बाटे, वो सोचा करें कि असली मुद्दा का है, असली मुद्दा बुनियादी सवाल हुए है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सम्मान, हमें लगा सारा ताना बाना यही में समायल बा। और जे एकर बात करे वह सही नेता है, जोन पार्टी एकर बात करे वो सही पार्टी है। तो यह मोर्चा पे कांग्रेस पार्टी सही है, अपन काम ठीक से कैले और जनहित के जोने जोने मुद्दा पे यह पार्टी के विशेष रूप से हम कहल जाब कि जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व भइल है, जब से प्रभारी बनी है उत्तर प्रदेश के, तब से कार्यकर्ता लोगन पर बहुत असर पड़ल है और लोगन के बीच में संदेश गई है कि कांग्रेस सड़क पर उतर के काम कर दिया। नकारात्मक सिर्फ इतना बा कि जैसे लोगन के मन में बसल होकर कि चूंकि 3 दशक से नाई बता फिर कैसे आई, नकारात्मक खाली इतने बा, बाकी संगठन भी बेहतर भइल है, बहुत बेहतर भइल है। और ईमानदारी से समीक्षा कर जाए तो कोनो पार्टी के तुलना में, चाहे वो सरकार में होके चाहे विपक्ष में होके, कांग्रेस कितना संघर्ष सड़क पर उतर के संघर्ष सहयोग और कोनो दूसर पार्टी नहीं कैले बा। हमने अपने नेतृत्व के आदेश पर जौन हमन के कहल गए रहा करे के प्रयास कैली, जनता के बीच में बांटी और जनता हमें लगा था कि कुछ हद तक संतुष्ट हो। अच्छा ए बीच ई भइल कि कई सारा वर्चुअल रैली भइल, वर्चुअल प्रोग्राम भइल, कहें कि कोविड के जौन दौर रहल एक भयावहता के देखते हुए, तो आपके का लगा था कि ये वर्चुअल रैली से लोग कितना जुड़ पावता और जो जुड़ पावता हो के जुड़ने में कितना कठिनाई होता, कितना परेशानी के उठावे पड़ता, आप ये बारे में क्या सोचते हैं? सबके पास उतना संसाधन नहीं होला और सब इतना टेक्निकलो नहीं होला, जनता है, हर आदमी के अपन पढ़ाई लिखाई है, राज्य की बौद्धिक क्षमता है, लेकिन फिर भी जब कोनो विकल्प नहीं रही तो कर ही पड़ी। और ठीक है, जनसंवाद सीधे सीधे होला तो हमें लगा ज़्यादा प्रभावी होला, दोनों पक्ष जब एक दूसरे के देखला तब कोनो बात संप्रेषित कर ज़्यादा आसान होले, लेकिन फिर भी अगर कोनो विकल्प नहीं रही तो कर ही के परिका कर जा सकता जी। एक और चीज़ की इस समय सबसे प्रचंड समस्या बा महंगाई के और बेरोजगारी के बाटे, तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा पे जो जनता के गुस्सा बा, जो जनता के खीस बा, ओके आप कैसे शांत करब? अगर जनता आपके मौका दे दिया तो वो खीस के आप कैसे शांत करब? अगर पार्टी उस स्थिति में आवे, बतौर विधायक के तौर पर तो ये बात के आसान नहीं है, लेकिन आवाज़ जरूर उठी जौन भी दल के सरकार रहे, जौन स्थिति बने। अगर हमार सरकार रहे ले, हमारे दल के सरकार, तो हमें लगा कोनो समस्या नहीं है। महंगाई के मुद्दा पे बात हुई और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये देख के चलल बा कि गरीब तबका कैसे जी ले, सामान्य आदमी कैसे जी ले, बड़का लोग तो जी ही लेला, उनके पास व्यवस्था बा, तो वो सारी चीज़ के ध्यान रखते हुए बात कर जाए, योजना बनावल जाए दल के समर्थन से और कुछ ना कुछ उपाय जरूर। आप आवाज़ उठौले के बात कही नहीं है अभी के, तो यहाँ चूंकि हमनी के ही पूर्वांचल के जो क्षेत्र है वो भोजपुरिया क्षेत्र है, हमनी के बातचीत भी भोजपुरी में होता है, तो आप मतलब भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर, हालांकि दिल्ली में यहाँ के मनोज तिवारी मृदुल जी कई बार आवाज़ के उठौले बनी, तो आप मतलब ये भोजपुरी के 8वीं अनुसूची पे जुड़ने में मांग के लिए खातिर आपके क्या राय बाटे के बारे में? जायज़ मांग है, बिल्कुल हो ही चाहिए, भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है और विपुल साहित्य बा, मन बहुत बड़ा साहित्य बा, जनसंपर्क के माध्यम से भी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण भाषा बा और यह विगत कुछ साल में दायरा एकर बहुत विस्तृत हो गया बा,
एक सम्मान मिल ही के चाहिए और ये करे खातिर जौन कुछ भी करे कोई सब कुछ कह जाए मांग उठावल जाए और पक्का कुछ ना कुछ कोई ऐसा विश्वास कह जा सकता। अच्छा एक सवाल और बा कि जनता आपे के काहे चुने उसके ओकरे लगे तो तमाम तरह के विकल्प बा एमें जनता आपके काहे चुने। जनता हमके काहे चुने ना थे पहली बात तो एक शुरुआत हुई कि तनि सामान्य पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में आवे सबसे बड़ी बात तो यह है मध्य वर्ग के निम्न मध्य वर्ग के और गरीबन के आबादी देश में ज़्यादा है। लोग जातीय समीकरण बैठा वाला लोग धर्म के समीकरण बैठा वाला हम गरीबी और अमीरी के बात करते हैं। संभ्रांत तबका बहुत ज़्यादा जैसे एलिट कहल जाए वो तबका कितना बा अमीर लोग कितना बाटे लेकिन पूरा संचालन नहीं लोग के हाथ में बा। तो सवाल ये है कि वही लोगन के पीछे हमन के भागत रहे या जनता वो लोगन के पीछे भागत रहे तो जो अभिन हमन के बात कहबो के लिए हूँ बारे में तो मध्य वर्ग के लड़का लड़की कहाँ जाइए अगर उनके अंदर क्षमता होक है उनके अंदर कैलिवर होक है लेकिन फिर भी उनके पास चूँकि व्यवस्था ना आई बा और जनता उन्हें ना स्वीकार करी तो कहाँ जाइए। तो जनता के नाते भी परंपरा का शुरुआत करे चाहिए और बाकी सारी बात तो है ही है शहर में जितनी समस्या बा चाहे वो जल जमाव के समस्या होके चाहे वो ट्रैफिक के समस्या होके चाहे महिला के सुविधा के लेके तमाम समस्या होके स्कूल में स्कूलन के और अस्पतालन के शोषण के जो समस्या होके सब मुद्दा पे लगातार बात कैले हैं प्रयास कैले हैं संघर्ष कैले हैं और यह संघर्ष से अगर जनता संतुष्ट रही तो हमें लगा था जरूर सुनी कहे ना सुनी। अच्छा आप अभी तमाम समस्या के बारे में बतौनी जैसे बारे में आप हमेशा संघर्ष कैनी सब केहू देखले बाटे इस चीज़ के तो आप ये बताएं कि ये जो आपके क्षेत्र बा गोरखपुर क्षेत्र तो चुनाव जीतले के बाद एक विकास खातिर आपके लगे कोनो विशेष कुछ योजना बा। कोशिश हमारी हुई कि पहली बात है एक फ़ोन नंबर सार्वजनिक हुई जौन पे बात कही के या व्हाट्सएप मैसेज कही के केहू अपन समस्या तुरंत बता सके जहाँ रख रहे वहीं से बता सके और वह पर त्वरित निस्तारण हो पर त्वरित कार्रवाई जैसे कुछ काम होला लंबे समय में होला लेकिन प्रक्रिया तो तुरंत शुरू हो जाए कुछ काम होला क्षणिक काम होला लापरवाही के नत नहीं हो पावला वह पर तुरंत एक्शन हो। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसा काउंटर बनी तमाम मसला होला आदमी फोन से नहीं दे पावला मिल के कहल चाहला तमाम चीज़ ऐसा होले जो महिला कोनो अपन बात कहल चाहली लेकिन उन्हें लगा कि वह समाज में कैसे जाके कहीं ऐसा व्यवस्था रही कि उनके बात सुनने खातिर की हो महिला प्रतिनिधि रही ऐसा भी व्यवस्था रही कि अगर चेतना कहीं बाई चांस वो जगह उपस्थित न रहे एक फ़ोन कॉल पर केहू दूसर भी उकरे पास पहुंच के वो बात सुन सके बाकी चेतना तो उपलब्ध रहबे करी। तो इस तरह के प्लानिंग बा बाकी धीरे धीरे जैसा हुई संकल्प बा मन में भावना बा कोशिश करब कि मैक्सिमम मदद करें। अच्छा आपके जो विरोधी बाने लोग खातिर का संदेश बा आपके विरोधी लोगन से ठो चर्चित कविता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर दिनकर जी के तो बस यह कहब कि ये जनता का संघर्ष है ये चेतना का संघर्ष ना ये मिडिल क्लास का संघर्ष है लोअर मिडिल क्लास का संघर्ष है ये गरीब घर के लड़का लड़कीन का संघर्ष है। तो ये राजा लोग ये महंत लोग ये बड़ा बड़ा लोग सम्मान है आराध्य है पूजनीय है सब चीज़ ठीक है लेकिन बहुत सेवा भय हम गोरखपुर के हम कहीं आके थोड़ा ना बसल बाटे तो गोरखपुर के बेटी बेटन के तो महत्व मिली गोरखपुर के धरती बंजर थोड़ा ना बा बिल्कुल एक लैके एमन वैसा लैके ना पैदा होला जने तो कह सके जरूरी थोड़ा ना हमेशा बाहरिया के भरोसे रह जाए तो एक बार जरूर अवसर मिले और प्रयास हो। इस तरह राजनीति में चेतना जी के जो वस्तुस्थिति बा जो वहाँ के सोच बाटे अब हमने के चेतना जी के एक और रूप जाने के जो कवि वाला रूप बाटे कवित्री वाला रूप बाटे जैसे हमने के परिचय भइल शुरुआत हमने के पहचान वही से बनल धीरे धीरे तो ये बताएं कि अगर एक समेकित रूप में अगर आपके कोनो पंक्ति के माध्यम से कहल जाए तो आपके बारे में का कहल चाहे चेतना के अगर परिचय करे के बात हो है तो हमसे अगर कहल जाए कि दूठो मुक्तक में जैसे कथा कहल जाला दूठो मुक्तक में आप हम बात कहब जो यात्रा रह लिया तो मुश्किलें
रोज चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से, और तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी के। आहा, क्या बात है। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। और उसके बाद ये कहना चाहती हूँ कि प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो, प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो, जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो, और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, अगर कुवत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई।